नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की ताज़ा बड़ी खबर आ रही है भारत और न्यूजीलैंड के पहले टेस्ट मैच को लेकर। आज पहले टेस्ट मैच का चौथा दिन खेला जा रहा है और यहां पर भारतीय बल्लेबाजों के द्वारा एक बार फिर अच्छी बल्लेबाजी की शुरुआत की गई है। भारतीय बल्लेबाजों ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की अच्छी धुलाई कर दी है। अब ये मैच बहुत ही एक रोमांचक मोड में पहुंच गया है। इस वीडियो में दोस्तों आपको पूरी जानकारी देंगे, तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले दोस्तों आपसे छोटा सा निवेदन है कि आप एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर लें, क्योंकि दोस्तों लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि तीसरे दिन अक्षर पटेल और आर अश्विन की आंधी में उठ गया न्यूजीलैंड। कानपुर टेस्ट में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने पहली पारी में 345 रन बनाए। इसके जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 296 रन ही बना सकी। भारतीय टीम को दूसरी पारी में अब तक 63 रनों की बढ़त मिली है। पहले दो दिन मजबूत नजर आ रही न्यूजीलैंड की टीम तीसरे दिन मैदान पर उतरी तो अक्षर पटेल और आर अश्विन के स्पिन जाल में पूरी तरह से उलझ गई। इन दोनों स्पिनरों की आंधी भरी गेंदबाजी के कारण टीम इंडिया को पहली पारी में 49 रनों की बढ़त मिली। भारतीय टीम को पहली पारी में 49 रनों की बढ़त लेने के साथ ही मैदान पर उतरी भारतीय टीम अपनी दूसरी पारी में लड़खड़ाती हुई नजर आई। टीम की शुरुआत बहुत ही ज्यादा खराब रही। भारतीय टीम ने 2 के स्कोर पर पहला ही विकेट गंवा दिया। तेज गेंदबाज काइल जेमिसन ने ओपनर सुमन गिल को क्लीन बोल्ड कर दिया। चौथे दिन की बात करें तो मयंक अग्रवाल और चेतेश्वर पुजारा के द्वारा एक अच्छी बल्लेबाजी की शुरुआत की गई है। यहां पर दोनों खिलाड़ी 50 रनों की साझेदारी पूरी करते हुए नजर आ रही हैं। अगर इसी प्रकार की बल्लेबाजी चलती रहती है तो भारतीय टीम कम से कम 300+ का स्कोर खड़ा कर सकती है, जो न्यूजीलैंड की टीम के लिए समस्या खड़ी करेगा।